दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे कोई बहुत सक्सेसफुल सुपरस्टार सुशांत तुनिशा भी अच्छे जीवन दौलत शौहरत और सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद भी इमोशनल डिपेंडेंसी डिप्रेशन से नहीं बच पाए और दोनों की लाइफ बर्बाद होने का कारण बनी। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी से जानेंगे कैसे डिप्रेशन से बचा जाए। दोस्तों सुशांत तुनिशा के डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण था किसी एक इंसान पर इमोशनल डिपेंडेंसी का होना। जहां सुशांत सिर्फ रिया पर डिपेंडेंट थे, पेरेंट्स के साथ कट ऑफ कर दिया था, वहीं शिजान पर पूरी तरह हमारी तुनिशा डिपेंड थी क्योंकि उनकी माताजी उनको ज़्यादा टाइम नहीं देती थी। तो हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ब्रदर सब पे हो तो बेहतर रहता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन सबको लात मारकर किसी एक पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आजकल की यंग जनरेशन जिन्हें बहुत आसानी से प्यार हो जाता है, इनको आए दिन सबसे प्यार हो जाता है। इन्होंने प्यार को चाइना का माल बना दिया है जिसमें ये डेली पार्टी करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, बस आशिकी के पागलपन में खोए रहते हैं, अपनी ही सपनों की दुनिया बुनने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दुनियादारी और रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं। मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये नाटक शुरू हो जाता है। और राज और सिमरन के पेरेंट्स के बोलने पर भी कि ये मत करो, फ्रेंड्स के बोलने पर भी ये मत करो, उन दोनों को लगता है माँ बाप दोस्त सब मेरे दुश्मन है, भाड़ में जाएं सब, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे समझता है। और कुछ टाइम बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लोगों ने कहा खाओगे कैसे, दोनों ने कहा दिल में जगह होनी चाहिए। और एक दो साल बाद देखा गया दोनों में से एक आदमी या तो डिप्रेशन में जाता है या सुसाइड कर लेता है, क्योंकि एक इमोशनल रास्ते के चक्कर में सारे इमोशनल रास्ते छोड़ दिए। इमोशंस की दुनिया में अगर आप किसी एक पर डिपेंडेंट होंगे तो अगर आपकी उससे तकरार हो गई तो इमोशनल क्राइसिस में आप अपनी फीलिंग्स वेंट आउट नहीं कर पाएंगे, अंदर घुट घुट के जिएंगे और इसी कारण आपको डिप्रेशन हो जाएगा। दोस्तों डिप्रेशन से जब हमारे सुपरस्टार नहीं बच पाए तो हम क्या चीज है, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। बिंद्रा जी महेश्वरी जी से जानेंगे कैसे इससे बचा जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, होगा बड़ा खुलासा। सुशांत और तुनिशा के केस में हमने ये भी देखा सेलिब्रिटी परफेक्ट पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं डिप्रेशन में होने के बावजूद। वो अपने बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ को डालते हैं, उसके पीछे क्या है वो किसी को भी नहीं पता। किसी का सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो डाउट क्रिएट होता है कि उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता वो परफेक्ट पिक्चर लाइफ दिखा सके, बेस्ट मोमेंट कैप्चर कर सके। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। सोशल मीडिया प्रोफाइल परफेक्ट है, इसका मतलब यह है समथिंग इज हिडन, समथिंग इज फिशी, जो वो दिखाना नहीं चाह रहा। सब मजे की बात यह है दोस्तों, सेलिब्रिटी सब बढ़िया इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको पता है उनका फॉलोअर यही सब देखना पसंद करता है, और फॉलोअर बेचारा ये सोचता है भाई लाइफ हो तो ऐसी। मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेरी जॉब बेकार है, मेरी बीवी मारती है मुझे, मेरे साथ मेरी लाइफ बहुत ही बेकार है, इनकी लाइफ बहुत कूल है, और यही सोच सोचकर वो बेचारा अंदर घुटता रहता है और यही उसके डिप्रेशन का कारण भी बनता है। इसीलिए हमें सेलिब्रिटी का प्रोफाइल देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, वो सच्चाई नहीं है जीवन। और इसका एग्जांपल है सुशांत और तुनिशा, जो अपने आप को सक्सेसफुल, हैप्पी, कूल दिखाते थे, पर वो भी अंदर ही अंदर अपने जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को फेस कर रहे थे, जिसके कारण उनकी लाइफ बर्बाद हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लड़कों का डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण लड़कियां हैं, कैसे उन्हें हैंडल करें, कैसे उन्हें इंप्रेस करें, संदीप महेश्वरी भुवन बाम की वीडियो मैंने बनाई है, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, उसको जरूर देखना। और संदीप महेश्वरी भुवन बाम की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रोकना है और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को अंदर प्लांट करना है। सही इन्फॉर्मेशन अंदर जाएंगी, सही थॉट्स अंदर ट्रिगर होंगी, मूड अच्छा हो जाएगा, फीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। साथ साथ हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हमेशा रहती हैं जो हमें परेशान करती हैं। ये परेशान सभी को करती हैं पर सभी सुसाइड नहीं करते। जिनका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होता है उनको फर्क नहीं पड़ता। डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग करने के लिए हमेशा अच्छे लोगों और पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों से जुड़े रहें, जो हमेशा एनवायरमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। मेडिटेशन करें और बहुत सारी एक्सरसाइज करें जिससे आपको कभी भी नेगेटिव इमोशन से फर्क ना पड़े। जब नेगेटिव इमोशन आए तो उसे वेंट आउट कर दीजिए, मन में घुटते मत रहिए, अपना फूट फूट कर रो लीजिए, गुस्सा निकाल लीजिए एक दो अच्छे दोस्तों के आगे जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं।
और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है रिग्रेट। काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। रिग्रेट से बचने के लिए जब जो काम करें, चाहे रिलेशनशिप, पढ़ाई, करियर, उसमें 100% दें। हम इंसानों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। उससे हम लाइफ में वो गोल्स अचीव नहीं करते जिसके चलते आगे हमें रिग्रेट होता है, वही डिप्रेशन का कारण बनता है। सो इट इज बेटर नॉट टू रिग्रेट लेटर। एम और ऑब्जेक्टिव पर पूरा फोकस करें, अपना 100% दें। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं नेगेटिव इमोशंस को हमें मैनेज करना आना चाहिए क्योंकि इमोशंस इंसान को डिराइव करते हैं। इमोशंस बढ़िया हो गए तो आप परफॉर्मर हो जाओगे और इमोशंस खराब तो आप पैरासाइट हो जाओगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसान परफॉर्मर बनेगा या पैरासाइट बनेगा डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इमोशंस ही इज एबल टू मैनेज। इमोशंस हैंडल करना सीख गए तो आप बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे लाइफ में। एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट। कंप्लेंट इज अ गिफ्ट एंड नेगेटिव इमोशन इज ऑल्सो अ गिफ्ट। नेगेटिव इमोशन के पीछे कुछ पॉजिटिव है, पीछे कुछ छुपा हुआ है, वो ढूंढना है आपको। गिफ्ट सिर्फ खूबसूरत डब्बों में नहीं आता है। नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इंसिडेंट, कंप्लेंट भी गिफ्ट की तरह आपकी जीवन में आता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। एंड स्क्रीन में सुशांत और तुनिशा की सारी वीडियोस डाल दी हैं जिनको लोगों ने बहुत प्यार किया है। आप भी अपना प्यार दें, उन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।